आप देख रहे हैं BC24 न्यूज एक्सप्रेस में सीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मानव सेवा में समर्पित मुक्ति फाउंडेशन व कंज्यूमर राइट संगठन ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। हमारे संवाददाता द्वारा प्राप्त जानकारी पर कविता श्रीवास्तव ने बताया कि मुक्ति फाउंडेशन व कंज्यूमर राइट संगठन के संयुक्त तत्वाधान में ग्वारीघाट स्थित त्रिवेणी ग्रीन रेसिडेंसी में एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विक्टोरिया ब्लड बैंक से डॉक्टर्स की उपस्थिति मौजूद रही। शिविर में थैलेसीमिया बच्चों के लिए 17 रक्तवीरों व रक्त वीरांगनाओं ने रक्तदान किया, जिन्हें पदक व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। रक्तदान शिविर के आयोजन का मुख्य उद्देश्य थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए रक्त उपलब्ध कराना है। मुक्ति फाउंडेशन द्वारा थैलेसीमिया जन जागरण अभियान के द्वारा लोगों को बीमारी से अवगत कराते हुए बताया कि इस बीमारी से पीड़ित बच्चों को हर 15 से 20 दिनों में रक्त की आवश्यकता होती है। MBCG24 न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए जबलपुर से ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव के साथ संवाददाता शिवानी बैन की रिपोर्ट। जी मैडम बताइए, आज ये कार्यक्रम यहाँ किया गया था, आप लोग के सहयोग के द्वारा कितने लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया और किस उद्देश्य से किया आपने? यहाँ पर करीब 20-25 लोग कर चुके हैं और लगातार अभी ब्लड डोनेशन के लिए लोग आ रहे हैं। और आज ये कार्यक्रम मुक्ति फाउंडेशन के द्वारा विगत 4 वर्षों से लगातार ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हो रहा है और ये कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया ये कार्यक्रम मुक्ति फाउंडेशन के सहयोग से। तो दोनों जो हैं, दोनों की मैं सदस्य हूँ और दोनों के सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ, जिसकी हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी। और ये आगे भी मैं ये कहना चाहूँगी कि हर किसी को ये जागरूक होना चाहिए कि थैलेसीमिया जो मुक्ति फाउंडेशन की जिस पे कार्य कर रहा है, थैलेसीमिया के बच्चों पे कार्य कर रहा है, इसमें कि बच्चों को ब्लड बनता ही नहीं है, 15-20 दिन में उनको ब्लड चढ़ाना रहता है। तो हम लोग इसलिए इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस शिविर को, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों, जागरूक कर सके लोगों को कि जिन बच्चों की एक एक बूंद से अपन उनकी जान बचा सकते हैं। तो सभी सदस्य आगे आए और इस कार्य में अपना सहयोग करें। कुछ डाइट की जानकारी आपके द्वारा दी जा रही है? डाइट से हाँ जी, डाइट से क्योंकि डॉक्टर से हमारे साथ डॉक्टर विवेक जैन हैं और पूरी विक्टोरिया टीम से भी सब आए हुए हैं, वो सब बताते जा रहे हैं। आपका नाम? कविता श्रीवास्तव, मैं मुक्ति फाउंडेशन में भी हूँ और कंज्यूमर राइट की वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पे कम से कम जो कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन है उनके माध्यम से उनके तत्वाधान में ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन किया है कैंप, और मुक्ति फाउंडेशन जो थैलेसीमिया है वो जनरली थैलेसीमिया बच्चों के लिए रक्तदान करती है और उनके सहयोग से यहाँ पे पूरी ब्लड की उपलब्धता की गई है। यहाँ पे जो मेहनत की गई है पूरी तरीके से ब्लड डोनेशन को लेकर, कम से कम उम्मीद है कि 25-30 ब्लड डोनेशन यहाँ पे होंगे। मैं कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन का हालांकि मेंबर भी हूँ और हमारे साथ पूरी टीम भी है। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा एक सफल आयोजन किया गया है, ताकि जो रक्त की उपलब्धता है, रक्त की महत्वता है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, उसके बारे में लोगों को बताना, ये बहुत बड़ी बात है। और रही थैलेसीमिया बच्चों की बात है, तो आप लोग सभी जानते हैं कि थैलेसीमिया बीमारी कितनी डेंजरस बीमारी है। भारत जो है इस बीमारी का कैपिटल बन चुका है, 3% बच्चे जो हैं थैलेसीमिया से ग्रसित हो चुके हैं और ब्लड की आवश्यकता इतनी ज़्यादा पड़ती है उन बच्चों के लिए, तो उन बच्चों के लिए ही इस प्रकार का थैलेसीमिया ऑर्गेनाइजेशन ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया है। विगत 4 वर्षों से मुक्ति फाउंडेशन समर्पण थैलेसीमिया ग्रुप जो है ये इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप करते हुए आ रहा है। आपको और कहाँ कहाँ कैंप लगने के चल रहा है? ये तो हमारे पास जैसे ही हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे भी माता गुजरी कॉलेज हो गया, अलोशियस कॉलेज का भी हमारे पास वहाँ पे ऑलरेडी NOC है, वहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने का, तो इस तरीके से हम जनरली जहाँ पे हमको इंफॉर्मेशन मिलती है विक्टोरिया टीम के साथ में और वहाँ के जो संगठन रहते हैं उनके माध्यम से हम जनरली ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज करते हैं। और बीच में खास तौर से हम उन लोगों को ये भी बताते हैं कि शादी के पहले जहाँ पे अगर हम HbA2 टेस्ट करा लें तो थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी को हम रोक सकते हैं। सर का नाम? मेरा नाम डॉक्टर विवेक जैन है, मैं संस्थापक अध्यक्ष और मुक्ति फाउंडेशन से बात करूँ जवाब करता हूँ। कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष जबलपुर हमने और मुक्ति फाउंडेशन के साथ ने बताया है, उनके साथ में ब्लड कैंप का ऑर्गेनाइजेशन किया है थैलेसीमिया के बच्चों के लिए और आगे भी सब काम करते रहेंगे। आज कितने लोग आए थे आपके यहाँ? 20-25 लोग आज, अभी और चल रहे हैं।